जी निघा स्वागत जी है सारे दर्शकों का जो सा प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं थोड़ा दोस्त कुलदीप एकर फिर तो थोड़े प्रोग्राम लैके खिदमत हाज़र हाँ। वैश्नो ओवरसीज़ तो प्रदीप बालियान जी मेरे नाल ने स्टूडेंट वीज़ा के नाल नाल आयल्स की गल करा। सो पहला स्वागत कर लिए सर, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। सो जिवें कि काफ़ी सालों तो वैश्नो ओवरसीज़ की जिक्र गल करिए, बहुत सारे बच्चे जिहड़े आयल्स करके निकले, बहुत सारे बच्चे जिहड़े विदेश जिन्हां दा सक्सैसफुली सुपना एक पूरा होया विदेश जाके पढ़न दा ना, कई सालों तो तुसीं काम कर रहे हो। सो अज तो जेकर 5-7 साल पहले की गल करिए या अज की गल करिए, जो काफ़ी कॉम्पीटिशन भी है, बहुत सारे जरिए ने जितों बच्चा जानकारी लै सकता, पर उन्होंने नाल नाल बच्चों अज मिसगाइडेंस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो की फर्क देखते हो तुसीं अज बच्चे के लिए, किहड़ियां मुश्किलां ने? देखिए सर, टाइम चेंज हो रहा है। पहले कहीं ना कहीं एम्बेसी भी थोड़ी सी ईजी प्रोसेस लेती थी कि मतलब बच्चों के वीज़ाज निकल जाते थे। आज डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है। हाई कमीशन भी ये चीज़ें देख रही है कि भाई डे बाय डे वो समझ रहे हैं कि किस टाइप की फाइलें होती हैं, किस तरीके से बच्चा आगे जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो नॉर्थ इंडिया की बात करें या फिर गुजरात की बात करें, दो एरियाज़ ने कहीं ना कहीं वीज़ा ऑफिसर्स को बहुत अवेयर भी किया है कि रीजंस हैं कि बहुत से बच्चे लाइक फेक डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी में प्रेजेंट हुए हैं, वीज़ा लग भी गए हैं, बाद में फड़े भी गए हैं। तो मतलब एम्बेसी का जो एक्सपीरियंस रहा है वो इन चीज़ों से सीखा उन्होंने, तो डे बाय डे स्ट्रिक्ट होता चला गया, एंट्री क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट होता चला गया, कॉलेज ने भी रिक्वायरमेंट चेंज की थी जी। तो और दूसरी बात, आज के डेट में अवेयरनेस इतनी है कि भाई बच्चा अब्रॉड जाना चाहता है, ड्यूरिंग स्टडी वर्क अलाउ है, अच्छी एजुकेशन है, स्टडी कंप्लीट करने के बाद इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, वर्क एक्सपीरियंस जो जिसको PSW बोलते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। फिर दूसरा, डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से स्टूडेंट्स भी आज की डेट में अवेयर हो रहे हैं। मतलब इट्स ए चैलेंजिंग जॉब एट प्रेजेंट। और हाँ, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। कोई कंसल्टेंट टीवी पे बैठ के या सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दावे करके और बच्चों को मिसगाइड कर लेता है। अब जैसे हम चैनल पे बैठे हैं, मैं कुछ भी बोल दूँ, 100% गारंटी दे दूँ, 200% गारंटी दे दूँ, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनको तो लगता है यार टीवी पे बंदा बैठा है, इट मीन्स ये बंदा तो पता नहीं कितना जेन्युइन होगा, कितना अच्छा काम कर रहा होगा। तो उसके क्या है कि ऐसे इंडस्ट्री में काफ़ी बंदे आ गए हैं जो इस तरीके के बड़े बड़े वादे करके बेचारे जो सादे इंसान हैं, जो मतलब एक यू कैन से लाइक दैट कि जिन्होंने मतलब ज़िंदगी में कुछ ऊंच नीच देखा ही नहीं, गलत काम देखा ही नहीं है, मतलब फेक चीज़ें देखी ही नहीं है, वो जाके फंस जाते हैं और तब उनका विश्वास टूट जाता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट्स रहा है आज की डेट में सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक पे भी ऐसे ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं लोग, 200% वीज़ा, 100% वीज़ा। हाँ डेफिनेटली बोल सकते हैं, प्रो टीवी प्रोग्राम की गल करें तो कितने ना कितने नहीं बोल सकते, फिर भी बोलते हैं सर। मैंने देखे बहुत से लोग बोलते हैं। तो एक तो नेगेटिव पॉइंट्स ये है, पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि ठीक बंदे भी बैठे हैं, लोगों को आज की डेट में घर बैठे सारी सर्विसेज मिल रही है। टीवी ऑन करो, ठीक है, एक चैनल्स पे मतलब कंसल्टेंट बता रहा है स्टडी वीज़ा के बारे में, तो घर बैठे बच्चों को काउंसलिंग मिल रही है, ये पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। आज की डेट में हर बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, नेट घर घर तक पहुँच चुका है, तो वो अगर बच्चा जो बच्चा रियली सीरियस है वो वहाँ से देख सकता है सारी चीज़ें। तो हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव भी हैं। अब स्टूडेंट के हाथ में है ये सारी चीज़ें कि वो मिसगाइड ना हो, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर लें, स्टूडेंट भी सेल्फ स्टडी कर लें, तो कहीं ना कहीं ठगी से बचा जा सकता है। फ़ायदे बहुत रहे हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन हाँ अगेन चैलेंजिंग जॉब हो चुकी है क्योंकि हाई कमीशन भी इस चीज़ को समझ चुकी है, दे नीड द जेन्युइन स्टूडेंट्स। आइल्स क्राइटेरिया भी डे बाई डे इंक्रीज़ होता जा रहा है, या PT या TOEFL भी इंक्रीज होता जा रहा है। स्टडी वीज़ा की अगर उसकी बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज भी चाहे पहले 50%, SPP की बात करें पहले 50% पे था, तो आज की डेट में कॉलेज ने अपना एंट्री क्राइटेरिया बढ़ा दिया 55%, 60%, 65%, मेजर सब्जेक्ट्स में वो देखते हैं। तो मतलब डे बाई डे कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चों को ये चीज़ समझनी भी पड़ेगी। अच्छी बात है, एंट्री क्राइटेरिया बढ़ रहा है, चैलेंजिंग हो रहा है, घर बैठे आपको सारी सर्विसेज मिल रही है, काउंसलिंग मिल रही है, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और टाइम रहते अपने आप को प्रिपेयर कर लें। जो बच्चे प्लस टू कर रहे हैं वो अच्छे इंटरव्यूज़ देख के अपने आप को प्रिपेयर रखें, किस टाइप की फंडिंग चाहिए, पेरेंट्स को इनकम किस टाइप की दिखानी है, कौन सा कोर्स अवेलेबल है, आइल्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, या फिर 12th में उसने मार्क्स कितने लेने हैं, तो ये चीज़ें मिल रही हैं स्टूडेंट्स को, तो ये फ़ायदे हैं।
ਜੀ ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਔਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰ 30 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਦਿਨ ਵੈਡਨਸਡੇ ਕਾ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ जो कि जी एन फूड से बंगा रोड पे वहाँ पे ओवरसीज एजुकेशन फेयर है कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूके यूएसए मैं खुद वहाँ पे अवेलेबल होगा मेरी टीम होगी तो आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूके यूएसए न्यूजीलैंड जिस भी कंट्री में जाना चाहते हैं आप ऑन स्पॉट असेसमेंट काउंसलिंग दी जाएगी जो बच्चे इनरोल होंगे 50% उसकी एप्लीकेशन फ़ी वेव ऑफ भी रहेगी फिर 1 जून को हम कपूरथला में आ रहे हैं होटल ताज रिजेंसी में 10 बजे से 5 बजे तक सेम फेयर होगा और 2 जून जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपना शनिवार का दिन है कुरुक्षेत्र ऑफिस में आइल्स रियल्टी टेस्ट हम कराने जा रहे हैं जिसमें ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी के डेलीगेट्स होंगे प्लस में ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी की ट्रेन्ड फैकल्टी होंगी जो बच्चे को टेस्ट लेंगी जैसे फाइनल एग्जाम में पेपर होता है सेम इस टाइप का ये पेपर रहेगा तो ये पेपर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स अभी आइल्स करने की सोच रहे हैं या जिन्होंने आइल्स कर ली है लेकिन वो फेल हो रहे हैं लाइक डिजायर्ड स्कोर नहीं ले पा रहे हैं या जो बच्चे किसी इधर उधर के इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन सब स्टूडेंट्स को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा आप इंडिया के किसी भी कोने में हों वर्ल्ड के किसी भी कोने में हों आप 2 जून को कुरुक्षेत्र ऑफिस में आ सकते हैं आइल्स रियल्टी टेस्ट देने के लिए यहाँ सिर्फ आपने 300 पे करना है और इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग सब 4 पैरामीटर्स पर आपको असेस किया जाएगा फाइनल एग्जाम की तरह आपका यहाँ पे एग्जाम होगा एग्जाम खत्म होने के बाद आपको रीडिंग राइटिंग लिसनिंग स्पीकिंग की स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी टिप्स बताए जाएंगे और 2 या 3 दिन बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो उसमें पूरे एक तरह से एग्जाम्पल्स के साथ की पूरा कि भाई आपका 5 स्कोर आया तो क्यों आया है 6 आया तो क्यों आया है 5.5 बैंड क्या रहा है कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसपे हमने काम किया है किस तरीके से आप इसको आइल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये सारे की सारी मतलब एक तरह से पूरी डिस्कशन के साथ आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जी सो सारे ही तरह के बच्चे इस जो आइल्स रियलिटी टेस्ट का हिस्सा बन सकते हैं जिन्होंने आइल्स अजे करनी है इंस्टीट्यूट चूज करना है अपने आप जज करना है कि हाँ किन्नी को आइल्स की जी प्रैपरेशन की जरूरत है या किन्नी कोचिंग की जरूरत है या जिहड़े बच्चे वार वार आइल्स कर रहे हैं डिजायर स्कोर नहीं आ रहा वह बच्चे भी इस रियलिटी टैसट का हिस्सा बन सकते हैं की करना पेगा बच्चों जो बच्चे इस रियलिटी टैसट में आना चाहिए देखिए 2 जून को ये पेपर है तो 1 जून तक आप हमारे पास रजिस्टर हो सकते हैं आके आप फिजिकली ऑफिस में विजिट कर सकते हैं आपने सिर्फ 300 पे करना है आप एक फ़ोटो प्लस में एक आईडी प्रूफ आप लेके आइए इसके अलावा आप फ़ोन कॉल करके भी अपनी रोल नंबर ले सकते हैं क्योंकि रोल नंबर देना ज़रूरी है कि बच्चे बहुत एक्सेस में आ रहे हैं इसके अलावा फेसबुक पेज मेरा वेस्टर्न ओवरसीज 172 है उस पर क्या नाम है अपना क्वेरीज डाल के भी अपना डेट बुक कर सकते हैं अपना क्या नाम है सीट बुक कर सकते हैं इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं कॉल करके भी करा सकते हैं मैसेज करके भी कर सकते हैं बट 1 जून तक आपको कराना होगा क्योंकि फिर उसी हिसाब से हमने बच्चों को सीट्स और टाइमिंग अलॉट करनी है जी सो आइल्स वाले बच्चों की खास एक जी कैंपेन चलाई गई वैसट ओवरसीज वालों शायद स्टूडेंट वीज़ा बारे तो काफ़ी सैमीनार होंगे आइल्स बारे नहीं दसया जाता जबकि आइल्स पहला स्टैप बेसिक जेकर देखिए कुलदीप जी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया में कि वीज़ा के नाम से लोग काम करते हैं क्योंकि वीज़ा में अच्छा कमीशन आ जाता है कंसल्टेंट्स को तो लेकिन वो ये नहीं सोचते कि फर्स्ट स्टेप हमेशा आइल्स ही रहता है कि अगर आइल्स अगर आप कराओगे बच्चों को या बच्चों को बताएंगे टिप्स एंड स्ट्रेटजीज देंगे तो डेफिनेटली बच्चों का ये स्टेप क्लियर होगा तभी उसका वीज़ा लगेगा वेस्ट ओवरसीज आइल्स में भी अच्छा कर रहा है पीटी में भी अच्छा कर रहा है उस हिसाब से स्टडी वीज़ा में भी अच्छा कर रहा है वी आर रिप्रेजेंटिंग मोर देन 500 यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज ऑल ओवर द वर्ल्ड कैनेडा है ऑस्ट्रेलिया है न्यूजीलैंड है यूके है यूएसए है यूरोप है सिंगापुर है साइप्रस है हर एक कंट्रीज में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों को हम बहुत अच्छे सक्सेस रेट के साथ भेज रहे हैं बट उसके साथ साथ हमारा आइल्स बी पैरेलल एक स्ट्रॉन्ग पिलर है तो ये आइल्स रियलिटी टेस्ट या आइल्स वर्कशॉप टाइम टू टाइम हम इसलिए रखते हैं ताकि बच्चे मिसगाइड ना हो टाइम पे अपना स्कोर लें और जिस भी डिजायर्ड कंट्री में जाना उस कंट्री में जा सकें क्योंकि आज की डेट में हाई कमीशन डे बाई डे स्ट्रिक्ट होता जा रहा है साल से ज़्यादा गैप हो गया तो एक्सप्लेनेशन देनी होती है 2 साल 3 साल के गैप हो गए तो वीज़ा चांसेस भी कम हो जाते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे 40-50% मार्केट में ऐसे बच्चे घूमते हैं जो आइल्स के कारण गैप जिसका बन जाता है उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें आइल्स रियलिटी टेस्ट रखा है दोस्तों इसको मिस मत करना 2 जून
कुरुक्षेत्र ऑफिस में हमारा IELTS टेस्ट हो रहा है, जिसमें IDP ब्रिटिश काउंसिल के डेलीगेट्स होंगे और उनके सुपरविजन में ये टेस्ट लिया जाएगा। जेकर कैनेडा की जी गल करिए, अज बच्चे सितंबर इनटेक के लिए जिहड़ा वीज़ा बच्चों ने अपलाई किए थे, किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्लस जेकर जनवरी इनटेक की गल करिए तो कितना कु जिहड़ा रश देखने को मिल रहा है? देखिए सर, जो अगर सितंबर की बात करें तो सितंबर में एक तरह से सीटें तो मोस्टली फुल हो ही चुकी हैं, और SPP की अगर हम बात करें, हाँ, नॉन SPP में आज की डेट में भी हम स्टूडेंट्स इनवाइट कर रहे हैं और बच्चों के ऑफ़र्स आ रहे हैं, बल्कि इवन के कुछ यूनिवर्सिटीज़ के भी हम ऑफ़र्स मंगवा रहे हैं। हाँ, बट SPP की बात करते हैं, मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज की सीटें फिल हो चुकी हैं। सक्सेस वीज़ा की, सक्सेस रेट की बात करें वीज़ा की, तो कंटिन्यूसली वीज़ाज आ रहे हैं। आज 10 आए, कल 5 आए, 3 दिन पहले 15 आए, तो इस हिसाब से पासपोर्ट्स निकल रहे हैं, वीज़ाज आ रहे हैं। तो सक्सेस रेट हमारा 99% हमेशा रहा है कनाडा का, जो फाइलें लगी हैं उनके वीज़ाज निकले हैं, क्योंकि उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हम बड़े सॉलिड तरीके से काम करते हैं, एक पूरी डेडिकेट टीम है जो कोर्स सिलेक्शंस में, फिर क्या नाम है, फाइल मेकिंग में, SOP अगर बननी है तो SOP में बड़ी स्टूडेंट्स की हेल्प होती है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। पैरामीटर्स हैं कि भाई बच्चों को पूरे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करा के अच्छे तरीके से फाइल बनाए तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स निकलते हैं, और खासकर रिलीवेंसी की बात करूँ तो पर सब्जेक्ट्स देखना होता है कि भाई सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, किस में ये बच्चा वीक है, किस में ये थोड़ा सा अच्छा है, किस में इसकी परसेंटेज अच्छी है, तो उस हिसाब से कोर्स सिलेक्शंस देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। सो रिसर्च मतलब बच्चे करनी पड़ेगी, चंगे कंसल्टेंट ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਬੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।